दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंड का ज्ञान में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम मेजरली दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे हाल ही में अभी एक ऐसा पैटर्न बना है जिसे अगर आप लोग यहाँ पे अगर एज अ स्विम ट्रेडिंग अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मैं 110% दोस्तों गारंटी आपको लेता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ही महीनों की बात करें तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। और यहाँ पे जो मैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहला स्टॉक्स है CDSL। ठीक, मैं CDSL के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे पिक करते हैं कि स्विम ट्रेडिंग के पर्पज़ से कोई स्टॉक अगर पिक करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है अपना 4 घंटे का रखेंगे। ठीक है, और हम जो है यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे मेजरली। यहाँ पे 55 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे और 13 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए 55 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया था, ये देख सकते हो। क्रॉस ओवर करने के बाद वन सेकंड में दिखाता हूं, 55 मूविंग एवरेज को ये ग्रीन कैंडल क्रॉस ओवर किया। और दूसरा कंफर्मेशन हमारा तब होगा जब यहाँ पे मार्केट फिर 55 मूविंग एवरेज के पास जो है नियर में यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह का पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर रिटेस्ट लिया। हमारे लिए 110% यहाँ पे कन्फर्मेशन हो चुका है यहाँ से मार्केट अब जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल वर्क करता है। ठीक है, आपको वन सेकंड में दिखाता हूँ, जैसे ये रिटेस्ट लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मार्केट जो है, आप लोग नोट कर लो आज का डेट। वन सेकंड में दिखा देता हूँ दोस्तों, ये कैंडल जब क्लोज हुआ, ये इसका डेट आप नोट कर लो। ठीक है, 12 अगस्त को ये कैंडल जो है क्लोज हुआ था। ठीक है, और आने वाले कुछ समय बाद आपको ये 1346 का लेवल अचीव होता हुआ दिखेगा। विद इन में बात करूँ तो 15 डेज में ही आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इस दोस्तों इस स्ट्रेटजी के बिहाफ में अगर आप लोग पीछे की अगर मैं दिखा दूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल वर्क करती है और सक्सेस रेशियो इसका जो 110% सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट नीचे की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हमारा कन्फर्मेशन कब होगा कि नीचे की ओर कब सेलिंग करेंगे, जब हमारा रिटेस्ट लेगा मार्केट। तो देखिए मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लेने आई, उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कहाँ तक यहाँ नीचे गिर चुका है मार्केट, 800 के लेवल तक भी जा चुका था मार्केट। तो देख आप लोगों ने देखा। अब दोस्तों यहाँ पे रही बात हम एग्जिट कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉलो 13 मूविंग एवरेज को, ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा होगा इसे आपको फॉलो करना है। देखिए, या तो आप 13 मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो या तो 55 मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो। लेकिन 13 मूविंग एवरेज जो है, हो सकता है आपको जो जैसे क्रॉसओवर करेगा तो हो सकता है ये 10 दिन में भी क्रॉसओवर कर दे, 15 दिन में कर दे। लेकिन 55 मूविंग एवरेज जो है, ये क्रॉसओवर जो है लॉन्ग पीरियड में करती है। ठीक है, एज ए 1 मंथ 2 मंथ। ठीक है, तो अगर आप एक लंबे समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 55 मूविंग एवरेज को वॉच कीजिए। नहीं तो अगर स्विम ट्रेडिंग के थ्रू जैसे 1 वीक 2 वीक 3 वीक 3 वीक 4 वीक के लिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे 13 मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो। कि तीसरा दोस्तों पिवट पॉइंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एंट्री कहाँ ले एग्जिट कहाँ ले तो फिबोनाची को पिवट्स पॉइंट फिबोनाची को आप ओपन कीजिए। मंथली पिवट्स का इसमें यूज़ करना है आपको, वन सेकंड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों डेली है, इसे मंथली कर देना है आपको। मंथली जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे क्राइटेरिया मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हमें सेट करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो देखिए मंथली पिवट्स लगाने से होता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट में हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो क्योंकि सपोर्ट लेवल है, एक तो यहाँ पे 13 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और आप एक छोटे समय के लिए, आप बहुत ही छोटे समय के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, पिवट्स पॉइंट लगाने से आपको जो है एक रेंज पता चलता है कि रह सकते हैं, एग्जिट क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि पीछे मैं ले चलूँ आपको, तो सपोज यहाँ पे जैसे जिस तरह से दिख रहा है कि R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 है और रेजिस्टेंस 2, यानी कि दोनों लेवल पे किसी भी लेवल को आप चाहते हो कि यहाँ इस लेवल पे आए तो एग्जिट करो, तो यहाँ पिवट्स पॉइंट के थ्रू आप यहाँ अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको कि दूसरा स्टॉक्स में ये जो स्ट्रेटजी है किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, दूसरा स्टॉक्स है भारतीय एयरटेल। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे दिया, उसके बाद एक रिटेस्ट लिया मार्केट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वन सेकंड में दिखाता हूँ। ये रेड वाला कैंडल जो यहाँ पे रिटेस्ट लिया है, रिटेस्ट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे मूव किया है मार्केट, देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है और ये 13 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और इसे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ दिखा और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट ले लिया है। अब जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो 110% दोस्तों गारंटी कहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इस स्टॉक्स में। ठीक है, तो आप इस स्टॉक्स का भी यहाँ पे अगर यहाँ पे 756 रुपये का यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे अचीव होता हुआ जल्द ही दिखेगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि यहाँ पे भी अगर आप पिवट्स पॉइंट का यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे भी आप लगाना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे जैसे कि R2 यहाँ लेवल दिख रहा है। ठीक है, अब हमें है कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब तक यहाँ पे R2 लेवल के ऊपर यहाँ सस्टेन नहीं करेंगे मार्केट तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप ये क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, या आप यहाँ पे एंट्री सपोज ले लिए हो इस कैंडल पे, अब आपको रखना है कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो आप एग्जिट सपोज R3 के लेवल पे एग्जिट करना चाहते हो तो R3 के लेवल पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से पिवट्स पॉइंट का भी आप
यूज़ करके यहाँ पे अपना एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों तक लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें।